You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. Hello and welcome to a very special segment once again of a string of interviews that we are doing. हमारे जो कुछ बहुत ही important officials हैं पाकिस्तान के अंदर, government के officials हैं और लोग जो हैं जो इस वक्त बहुत closely monitor कर रहे हैं हमारी जो situation है country की, उसमें आज हम बात करेंगे अनीजा फातिमा साहिबा से, जो कि PMLN की MPA हैं और बहुत ही यंग एज से ये पॉलिटिक्स में आ गई थी. तकरीबन इट्स बीन नाउ 16-17 ईयर्स के ये अब पॉलिटिक्स में हैं. उनसे अब हम जो करंट सिचुएशन इस वक्त कंट्री में चल रही है उस पर हम बात करेंगे. तो अनीजा, हाउ आर यू? जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम फाइन, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच. बिल्कुल ठीक है. नहीं, हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि हमने आपको बहुत ही शॉर्ट नोटिस दिया और फिर भी आप हमारे साथ जुड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत एंग्शियस हैं नॉर्थ अमेरिका में आप लोगों से जुड़ने के लिए, आपसे बात करने के लिए. अच्छा, एक तो ये बताइए अनीजा कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जो कि डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है उसके साथ आप अटैच्ड हैं, तो अभी आपको लग रहा है कि ये जो कुछ औरतों के साथ हो रहा है ये या तो एलिगेशंस हैं या आपको लगता है जो हो रहा है वो आप एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर से आप सोचती हैं कि ये सही नहीं हो रहा है उनके साथ? देखिए, मैं बिल्कुल आई बिलीव इन डेमोक्रेसी, लेकिन बात ये है कि जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, उन्हें पॉलिटिकल होना चाहिए और डेमोक्रेटिक होना चाहिए. तो ये जो आप बात कर रही हैं कि अभी ख्वातीन के साथ हुआ, उनको अरेस्ट किया, लेकिन जब आप पॉलिटिक्स छोड़ के टेररिज्म की तरफ आ जाते हैं, आप मुल्क में इंतशार अनार्की फैलाते हैं, आप तनसीबात पर हमले करते हैं, तो फिर आप देखें उसका एक ड्यू प्रोसेस है लॉ का, जिसके तहत इनको अरेस्ट किया गया है ख्वातीन को. मैं ये समझती हूँ कि अगर ख्वातीन को अरेस्ट नहीं करना चाहिए तो फिर ख्वातीन को भी अपनी कुछ लिमिट्स होती है ना, उनके अंदर रह के प्रोटेस्ट करना चाहिए था, उन्हें भी अपनी वो लिमिट्स और बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें भी पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए था कि हम पाकिस्तानी हैं. और सेकेंडली ये कि ये जो आप कह रही हैं ना कि उनके साथ जो हो रहा है इस मामले में, तो अभी कल जो ख्वातीन जेल में हैं, जब वो अपनी अपेयरेंस के लिए आई हैं कोर्ट में, तो उन्होंने खुद भी कहा है कि उनके साथ जेल में कुछ गलत नहीं हुआ, कोई उनके साथ बुरा सलूक नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत नहीं की गई नाजीबा. और ये बात जो फैला रही हैं जो उनकी पार्टी के लीडर हैं, उनके हेड हैं, मैं समझती हूँ उन्हें शर्म करनी चाहिए, क्योंकि आखिर को वो ख्वातीन हैं, उनके घर हैं, उनके बच्चे हैं, किसी के हस्बैंड हैं, कोई किसी की अभी शादी होनी है, और जो इल्जामात वो सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए लगा रहे हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि इस हरकत से वो उन ख्वातीन की इज्जत के ऊपर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं. अपनी सियासत तो वो चमका लेंगे, लेकिन वो तो ख्वातीन है, वो किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बीवी है, तो उसकी इज्जत तो सबसे ऊपर है. तो उन्हें परहेज करना चाहिए इस किस्म के इल्जाम लगाने से. बारहा इस बात की इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं और बोर्ड भी बना, और वो फीमेल ऑफिशल्स के ऊपर उन्होंने विजिट भी किया और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. फिर वो जितनी भी ख्वातीन अरेस्ट हुई हुई हैं उन्होंने खुद कहा है कि हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ जिसकी वो कंप्लेंट करें. हाँ, ये अलग बात है कि वो अरेस्ट हैं. देखिए, अब अंडर द लॉ उनको अरेस्ट तो करना था, और मैं समझती हूँ कि जब भी कोई भी किसी भी मुल्क में कोई भी सिटीजन अपनी लिमिट्स और बाउंड्रीज को क्रॉस करेगा तो अंडर द लॉ जो भी प्रोसीजर होगा उसे उसमें से गुजरना पड़ेगा. आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, जो भी कोई मुल्क के अंदर खराब काम करे उसको अंडर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फेस करना पड़ेगा म्यूजिक. बट द थिंग इज के आपको नहीं लग रहा कि घरों से घसीट के ही लेके जाना और रात के वक्त उनके घरों में जबरदस्ती घुस के उनको इस तरह से पकड़ के जेल में ले जाना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ड्यू प्रोसेस, या कि ये फिर ह्यूमन राइट्स अब्यूज में आ जाएगा? नहीं, देखिए, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ कि उनको उनके घरों से घसीटा गया, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ. उन्हें अरेस्ट जरूर किया गया और उनको किया गया जो जिन जो उस दिन 9 मई के वाकयात में मुलव्वस थी, जो बकायदा फुटेजेस में है और वो इन एक्शन है, किसी ने हाथ में डंडा पकड़ के वो मार रही है, कोई गालियां दे रही है, कोई
शोदा की यादगारों पर हमले कर रही हैं, मतलब अपने दुपट्टे फेंक रही हैं। देखिए ये बहुत शर्मनाक हरकतें हैं, और जाहिर है कि जिस जिस की फुटेजेस में शनाख्त होगी, ठीक है, उसको अरेस्ट तो करना है, चाहे आप उनके घर से जाके करें चाहे कहीं से करें। मैं आपको बता रही हूँ ना कि अंडर द लॉ उन्हें फेस तो करना पड़ेगा जो उनने किया। अब वो उनको घर से जाके अरेस्ट करें या वो उनको सड़क पे अरेस्ट करें, तो थिंग इज दिस कि एक हरकत उन्होंने की है जो उनकी रियासत के खिलाफ है, ठीक है, और उस हरकत की सजा तो देखिए हर बंदे को भुगतनी पड़ेगी। अल्लाह ना करे अगर मैं ऐसी कोई हरकत करूं तो मुझे भी भुगतनी पड़ेगी, और हमने तो कुछ नहीं भी किया तो हमने भुगता है। आप जो ये बात अभी आपने कही है कि हमने कुछ नहीं भी किया तो भुगता है, तो ये ऐसा तो नहीं है, क्योंकि केसेस तो बहुत सारे पीएमएलएन के अगेंस्ट भी आए, लेकिन इस वक्त चूंकि मिलिट्री की शाबाशी है आपकी पार्टी को, तो इसलिए आपको लग रहा है कि हमारे साथ तो मिलिट्री खड़ी हुई है तो हमें तो इस वक्त कुछ नहीं कहेंगे। तो ये जो सारे केसेस भी आ रहे हैं, क्या ये मिलिट्री के कहने पर नहीं आ रहे हैं? क्या मिलिट्री को सिविलियन गवर्नमेंट की बात नहीं सुननी चाहिए है? तो ये ऑर्डर्स कहां से आ रहे हैं? ये पंजाब पुलिस ऑन इट्स ओन कर रही है इनको, जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री से ऑर्डर आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से डायरेक्टली ऑर्डर्स आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं इनको ये सब करने के लिए? देखिए शाजिया, मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये कि ये तासुर गलत है कि जो मिलिट्री है वो इस वक्त पीएमएलएन के साथ है या पीपल्स पार्टी के साथ है। इस वक्त मिलिट्री सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ है, नो पॉलिटिकल पार्टी। और मेरे ख्याल है कि मैंने ये बहुत सालों बाद पहली बार देखा दैट मिलिट्री इज नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट के साथ है, हुकूमत वक्त के साथ है, हुकूमत वक्त, और जब तक हुकूमत ने चलना है बस तब तक चलना है, उन्होंने चलाना है, ठीक है। और ये मैं समझती हूँ कि ये होना चाहिए, मिलिट्री को हमेशा हुकूमत वक्त के साथ खड़े होना चाहिए, जो जैसे आज है। और रहा सवाल ये कि जी ये जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, देखिए अब आप खुद देखें ना कि 9 मई को जो वाकयात हुए हैं उनके पीछे कौन था मास्टरमाइंड? लोगों को बरगलाया जा रहा था और उन्हें स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि जीएचक्यू पे हमला करें, कोर कमांडर्स हाउस पे, हर जगह करें। तो मुझे ये बताएं कि जब आप अपनी रियासत पे, आप अपनी फौज पे हमलावर होंगे तो बताएं ना कि और उसके बाद जब गवर्नमेंट उनको सजा देने की कोशिश करे और अदालतें उनको रिलीफ दे रही हों, उनकी सहूलत कारी कर रही होंगी, तो फिर जाहिर बात है कि फिर आर्मी के पास भी कुछ पावर्स हैं आर्मी एक्ट के तहत, फिर वो उसके थ्रू भुगतेंगे। या तो देखिए ना, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर कुछ कर रही है या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है तो जुडिशरी को भी तो चाहिए ना कि वो अकॉर्डिंग टू लॉ उन मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करें और अकॉर्डिंग टू लॉ वो देखें कि क्या सही है क्या गलत है। क्या ये दुरुस्त है कि आप बहुत बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े आला इदारे की आला कुर्सी पे हों और आप जाती तौर पे किसी एक पार्टी के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ? फॉर एग्जांपल अगर मैं या आप हैं और हम एक कुर्सी पे हैं, आला उदे पे हैं पाकिस्तान के, और हमारी एफिलिएशंस किसी किसी के साथ पर्सनली हो और हम उस पर्सनल रिलेशनशिप के बेस पे हम मुजरिमों को बेगुनाह साबित करते रहे, तो क्या रियासत हिलजुल नहीं करेगी? क्या रियासत फिर में हलचल नहीं मचेगी? क्या ये जायज नहीं है कि जो लोग मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हो उन्हें फिर उसके मुताबिक सजा दी जाए? और अगर उन्हें इदारों में सहूलतकारी हो उनके लिए, तो फिर जो भी एक्ट बनता है उस एक्ट के तहत उनको सजा दी जाए। अब वो अगर आर्मी एक्ट है तो आर्मी एक्ट के अंडर वो जाए। जी अच्छा अनीजा, इसमें अब आपकी जो बात है उसमें दो बातें अब फिर से सामने निकल आई हैं। एक आपने कहा जी उनको इंसाइट किया जा रहा था, लेकिन जो तमाम टॉप पॉलिटिकल जो अलीट थी पीटीआई की, उनको तो या तो पकड़ा हुआ था या फिर उनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे, तो ये ऑर्डर्स किसने दिए? नंबर वन। नंबर टू ये कि अगर आपको इस वक्त लग रहा है कि जुडिशरी पीटीआई के साथ खड़ी है या एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ी है, तो क्या
पास्ट में ऐसा नहीं हुआ कि यही जुडिशरी जो थी वो पीएमएलएन और पीपीपी के साथ भी कभी खड़ी हुई थी, तो उसी के अंडर जो है ये सारे केसेस भी अभी खत्म किए हैं दोनों पार्टीज के जो अगेंस्ट अलेजली थे। तो अब आप बताइए कि फिर उस वक्त ठीक थी जुडिशरी और अब गलत है, या अब ठीक है और उस वक्त गलत थी? मैंने नहीं देखा कि जुडिशरी कभी पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के साथ इस तरह खड़ी हो। मैंने कभी किसी मौजूद जज साहब को एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी लीडर हो और वो किसी जुर्म के तहत अदालत में पेश हुआ, मैंने आज तक नहीं देखा कि जज साहब ने उसको गुड टू सी यू कहा हो। किसी को भी नहीं कभी ये सहूलत मिली। फिर आप देखिए ना कि पीएमएलएन के साथ कैसी थी अदालत। मियां नवाज शरीफ को तो कोई जमानत नहीं मिली, उन्होंने तो पूरे प्रोसेस में से गुजरे हैं और उन्होंने पेशियां भुगती हैं, हर रोज पेशी होती थी, लाहौर से इस्लामाबाद जाते थे और फिर सजा भुगती है, जेल में वक्त गुजारा है, लंदन से वापस आए अपनी बेटी का हाथ पकड़ के, पता था कि जेल जाना है, जहाज से ही उनको अरेस्ट कर लेंगे, सबको पता था। उस वक्त भी लाखों लोगों का मजमा था जो एयरपोर्ट पे था, तो क्या मियां नवाज शरीफ ने वहां पर यह ऐलान किया था कि अब आप जाएं और जाके मुल्क पे हमला कर दें? लेकिन उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ ने और तमाम पीएमएलएन की लीडरशिप ने, शहबाज शरीफ साहब ने, हमजा शहबाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सजाएं भी भुगती हैं, केसेस भी भुगती हैं। देखिए ना, इनको देखें आप, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, इन्हें जमानत मिल गई, तनसीबात पे हमला, इन्हें जमानत मिल गई, जलाओ घेराव किया, इंतशार फैलाया, जमानत मिल गई, तोशाखाना में जमानत, फॉरेन फंडिंग केस में जमानत, मतलब जितने केसेस हैं उसमें इकट्ठी दर्जनों के हिसाब से जमानतें मिली हैं। और यहाँ तक भी कहा गया है कि इनके पैदा होने से पहले और इनके अल्लाह ना करे दुनिया से जाने के बाद भी अगर कोई जुर्म इनसे हो जाए उसकी भी जमानत। तो क्या ये सहूलत मियां नवाज शरीफ को कभी मयसर हुई आज तक? तो जुडिशरी तो कभी भी मियां जुडिशरी तो क्या देखें, जो पॉलिटिकल लीडर होता है ना, जिसका विजन होता है, जो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, वो कभी किसी भी किसी का भी सहारा नहीं लेते। आज अगर आप समझ रही हैं कि केसेस खत्म हो रहे हैं, तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने प्रोसेस के तहत खत्म हो रहे हैं। जब कुछ नहीं मिला तो फिर जमानते हुई, जब कोई सबूत नहीं मिले, कोई चीज साबित नहीं हुई, तो फिर वो केसेस खत्म हुए। अनीजा, आपको पता ही होगा कि जो जरदारी साहब हैं उनको तो अलेजली मिस्टर 10% कहा जाता था, तो ये दुनिया सारी में उनके खिलाफ आर्टिकल्स भी आए थे कि वो क्या कर रहे थे, और जो मियां साहब हैं उनका नाम तो पैनामा पेपर्स में भी आया था। तो अब अगर हमारे पास ऐसे कोई नहीं है लॉयर्स जो कि इन चीज़ों को प्रॉपरली परस्यू कर सकते हैं या कि फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो तो आई मीन दैट इज़ डिफरेंट। अच्छा ठीक है, ओके। इस वक्त आपको जो जुडिशरी में क्राइसिस नज़र आ रहा है, दो बिल्कुल डिफरेंट बन गए हैं, हिस्से बन गए हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा है उसको रिजॉल्व करने के लिए, और या आप सोचते हैं कि जुडिशरी को आपस में खुद बैठ के ये रिजॉल्व करना चाहिए? और दूसरी बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी कि हम जुडिशरी के अंडर नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है, आप पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप लॉ बनाएं, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन तो कोर्ट्स करेंगी ना, तो कोर्ट्स को आप इस वक्त मानने को तैयार नहीं है, तो जरा प्लीज इस बात पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। नहीं देखिए, हम तो कोर्ट्स को मान रहे हैं, हम तो हमेशा अपनी अदलिया का एहतराम किया है, आज भी करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये तो सबको पता है कि पार्लियामेंट इज ऑलवेज सुप्रीम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है हमें अदलिया का एहतराम नहीं है। जितना एहतराम हम अदलिया का और इदारों का करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पोलिटिकल पार्टी करती होगी। और रहा सवाल क्राइसिस का, तो देखिए जुडिशरी का क्राइसिस नहीं है, मतलब जुडिशरी की कोई कंट्रोवर्सी किसी के साथ नहीं, क्योंकि जुडिशरी तो हमारी एक बहुत आला इदारा है ना। अगर वहां बैठे हुए कोई एक दो लोग अपनी पर्सनल लाइकिंग्स की बेस पे डिसीजंस दे रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि इस कुर्सी का ये तकाजा है कि वो आईने पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए अपने फैसले करें, ना कि अपनी जाती पसंद नापसंद पे करें। क्योंकि देखे ना, कोई भी आला अफसर जो है सरकारी अहदे पे, जिसे हमारी रियासत की हिफाजत के लिए रखा गया, तो उनका पहला फर्ज है आईन की पासदारी करना, ना कि घर से। देखें, अब आपके सामने है, कुछ ऑडियोज भी आई घरेलू खवातीन की, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए।
ये कहाँ होता है? नीजा ऐसा है कि जो आप असल में बात यह है ना कि जिस वक्त एक हिस्ट्री चल पड़े कि आपने अपनी मर्जी के जजेस अपॉइंट करने हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो फिर खराबी आएगी ना। तो फिर वो जजेस जब अपनी मर्जी के फिर आप अपॉइंट करते हैं, फिर वो आपकी मर्जी के फैसले देते हैं, तो वो फिर एक गलत जो है वो ट्रेंड चल पड़ता है। जैसे कि हमारे मुल्क में पहले एक डिक्टेटर आए, उनको बड़ा वेलकम किया गया, फिर आते ही चले गए, तो उनको आप वेलकम करते रहे तो तभी वो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स जो हैं वो भी डीरेल हो गए। अच्छा आप ये मुझे बताइए कि बाबर सत्तार साहब ने थोड़े दिन पहले बताया कि जी ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये जो आ रही हैं, मेरा तो पहला सवाल ये है कि इनको रिकॉर्ड कौन कर रहा है, नंबर वन, और नंबर टू इनको लीक कौन कर रहा है? तो आपके पास कुछ ऐसी न्यूज है कि ये कौन लोग हैं जो कि ये रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहां पे नॉर्थ अमेरिका में ये प्राइवेसी लॉज के अगेंस्ट है और ये क्राइम है किसी को बताए बगैर उसकी कॉन्वर्सेशन को ऐसे रिकॉर्ड करना। तो कोई आपके पास न्यूज है, हु इज बिहाइंड ऑल ऑफ दिस? देखिए बात ये है कि जब आप आला उदों पर बैठे होते हैं ना तो फिर ये आपकी कॉल्स रिकॉर्ड होती है। ये रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी होता है कि इन आला उदों पर बैठे लोग जो हैं वो किस नेहज में हैं और वो अपने फराइज सर अंजाम देते हुए किन चीज़ों को मलहूज़े खातर रखते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये कुछ अर्सा पहले ये इमरान खान ने भी कहा था कि उनकी ऑन रिकॉर्ड है ये बात, मेरी कॉल रिकॉर्डिंग होती है और ये ज़रूर होनी चाहिए, इस ये बहुत ज़रूरी है। तो बस जब ज़रूरी है तो फिर ये चल रहा है सिलसिला और ये तो बड़े उन्हीं के दौर से चल रहा है, अब क्या हो सकता है? तो आपका ख्याल है कि ये उनके हुक्म के ऊपर सारी चीजें शुरू हुई थी रिकॉर्डिंग्स की, तो कौन कर रहा है कुछ पता है आपको? नहीं, ये उनको ही पता होगा, वही कहते थे कि ये बहुत अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए, कॉल रिकॉर्डिंग एन आईनी है। तो बस फिर अब एन आईनी है तो क्या किया जा सकता है, सिलसिला शुरू चल पड़ा है तो अब चल पड़ा है, क्या? अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। आई एम रियली टेम्प्टेड टू आस्क यू, क्योंकि आप बड़ी डायनामिक यंग लीडर थी जब आपने शुरू किया था, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है पीएमएलएन के बीच में, और कोई आप लोग इन चीजों के ऊपर इशारा करते हैं जो स्पेशली जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इस वक्त मुल्क में चल रही हैं जिसका किशोर सारी दुनिया में पड़ा हुआ है, तो आपकी क्या इन चीजों के ऊपर बात प्राइम मिनिस्टर साहब से, शहबाज शरीफ साहब से होती है? आप क्या उनकी तवज्जो इस तरफ लाते हैं और क्या वो सुनते हैं? आप कौन से ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कर रहे हैं? ये जो आजकल हो रहा है जी, इस करंट पॉलिटिकल सिचुएशन सिनेरियो है जी जी बिल्कुल। देखिए ये ह्यूमन राइट्स की मैं इसको वायलेशन नहीं कहूंगी। बात ये कि जब आप रियासत पे हमला करते हैं, हर इंसान को अल्लाह ताला ने अकल दी है, दिमाग दिया है, आप अपनी सोच से भी, आपको एक शख्स ने झूठ बोल बोल के वरगलाया है, इतना वरगलाया है कि आप, वो खुद भी हिप्नोटाइज था और उसने लोगों को भी हिप्नोटाइज कर दिया, वो खुद भी मतलब हिप्नोटाइज भी था, मैग्नेटाइज भी था और मेस्मराइज भी था, उसने बाकी अपने फॉलोअर्स को भी इस तरह कर दिया कि आप अंधे हो गए और आपने सोचा ही नहीं कि आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आपका मुल्क पहले है। आप देखिए ना, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात तो हम तब करें कि कुछ भी नहीं हुआ और लोगों को घसीटा जा रहा है या कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हुआ है। एक शख्स झूठ बोल बोल के उसने हमारी कौम को वरगला के गलत रास्ते पे चलाया और उसका नतीजा ये निकला कि वो बिल जलाने से शुरू होके उसने सियासी इमलाक को जलाने तक का ये सफर तय किया है इन सालों में, तो क्या इसको रोकना नहीं है? अब तो आपकी पार्टी के अंदर, आपकी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आप लोगों की कोई इस तरह की डिस्कशंस प्राइम मिनिस्टर साहब से होती हैं? कोई कंसर्न्स आप शो करते हैं, वो सुनते हैं आपकी बात? जब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है तो ह्यूमन राइट्स में ख्वातीन आती हैं, बच्चे आते हैं और आम जनरल पब्लिक आती है, जब उनके राइट्स वायलेट होते हैं तो इस सिलसिले में हम ना सिर्फ डिस्कशन करते हैं बल्कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने विमेन प्रोटेक्शन सेल्स भी बनाए हैं, विमेन प्रोटेक्शन के ऊपर लॉज भी बनाए हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन भी के भी लॉज पीएमएलएन ही की गवर्नमेंट ने बनाए हैं और हर पाकिस्तानी के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उन राइट्स की जो प्रोटेक्शन है उसका बिल भी
पीएमएलएन जो है उन्होंने ही ये इस पे भी काम किया है, तो हमारा तो ये विजन है। लेकिन अगर आप बात कर रही है ना कि जो इस वक्त सिनेरियो है, ये एक और तरह की सिचुएशन है, जब आप ही के लोगों ने, चंद बलवाइयों ने रियासत के ऊपर हमला किया। तो हम अपनी रियासत पे हमला, एज अ पाकिस्तानी, मैं या मेरे जैसे कोई पाकिस्तानी शहरी जो मुहिब वतन होगा वो रियासत पे हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। आपकी फौज आपका फखर होती है, ये कोई मजाक नहीं है कि आप आर्मी चीफ के बारे में बात करें, आप इदारे के बारे में बात करें, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा जी, ऑलराइट, थैंक यू। मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ, ये जो आपने बात की है ना कि एक आदमी ने सबको हिप्नोटाइज किया है, तो इसको बोलते हैं हिप्नोटिक कंस्ट्रक्ट। इसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग हॉलीवुड की फिल्म आई है बेन एफ्लेक की, हिप्नोटिक, वो आप जरूर देखें। और मैं बाकियों को भी कहूंगी कि वो देखें अगर जिनको लग रहा है कि इमरान खान साहब ने सबको हिप्नोटाइज किया हुआ है। अच्छा जी, माई एब्सोल्यूट, जी जी जी, कहिए आप। आपने देखी है? जी जी, मैंने देखी है। इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मूवी। आपने देखी है? क्या डिफरेंस है उसमें और इमरान खान और उस मूवी की स्टोरी? अच्छा चले, हम अब डिफरेंस नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कशन में ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। माय डियर, माय एब्सोल्यूटली लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू इज के जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो कब वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख कर गए थे, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा था जी मेरी पर्सनल ये है गारंटी कि वो वापस आएंगे, तो वो कब आ रहे हैं, कुछ आप हमें बता सकेंगी? जी बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ साहब का मुल्क है पाकिस्तान है, और उन्होंने इसी मुल्क में रहना है, इसी मुल्क की उन्होंने हमेशा खिदमत किया, आगे भी उन्होंने करनी है, इंशाल्लाह ताला हम सबको लीड करना है, और वो बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं, महीने में, जुलाई में, अगस्त में, कभी आ रहे हैं। आप बहुत जल्दी सुनेंगे कि मियां साहब पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। 15 दिन में सुनेंगे हम? नहीं, बस बहुत जल्दी इंशाल्लाह। जल्दी का क्या मतलब, 1 महीना 2 महीना 4 महीने? इट्स अ मैटर ऑफ डेज और जस्ट मंथ्स। रियली, आपने बहुत बड़ी न्यूज हमें दे दी है। इंशाल्लाह, उनका मुल्क है, उन्होंने इधर ही आना है और वो आएंगे इंशाल्लाह, वो हमें लीड करेंगे, इलेक्शन में भी वो हमें लीड करेंगे, और उन्हीं की क्यादत में इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन की कैंपेन भी करेगी और इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे भी। अच्छा, तो इलेक्शन की अब आप बात कर रही हैं, सो दिस शुड बी नाउ माय लास्ट क्वेश्चन, कि आप क्या देख रही हैं, इलेक्शन हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो कब हो सकते हैं फिर? जी बिल्कुल, इलेक्शन क्यों नहीं होने, इलेक्शन होने हैं और होने चाहिए भी और अपने टाइम पे भी होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उससे पहले थोड़ी सी इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की बेहतर हो जाए तो इंशाल्लाह ताला, और थोड़ा सा ये जो एक कचरा है ना, ये थोड़ा सा साफ हो जाए तो इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होने चाहिए और होंगे, जरूर होंगे। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पे इंशाल्लाह ताला जीत हमेशा जमहूरियत की होती है और इलेक्शन जरूर होंगे। जीत, आप कह रही हैं जीत जमहूरियत की होती है, तो उस जमहूरियत के पीछे फौज का कोई हाथ नहीं होता? देखें जी, मैं अभी इस बारे में कुछ खास नहीं कह सकती। देखें 2018 का जो इलेक्शन हुआ था उसको थोड़ा सा मैनेज किया गया था, और वो भी इमरान खान की जबानी हमें पता चला है कि वो इलेक्शन मैनेज हुआ था, उन्होंने इनाम दिए हैं, और बाकी मैं ये समझती हूँ कि अब इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जब होंगे तो वो फ्री एंड फेयर होंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी मच अनीसा, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू। हमने कुछ सख्त सवाल भी आपसे किए, लेकिन आपने बहुत प्यारे तरीके से, बहुत पेशेंस से सब सवालों के जवाब दिए, सो वी आर ट्रूली ट्रूली ग्रेटफुल टू यू। वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद यू सून, जब मियां साहब, जैसे कि आपने कहा, इट्स अ मैटर ऑफ डेज, तो जैसे ही वो आएंगे तो फिर हम आपके साथ कनेक्ट करेंगे आपके लीडर के बारे में बात करने के लिए। टिल देन वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू आर वॉचिंग ई आवाज टीवी, वॉइस ऑफ कम्युनिटी।